मुस्लिमों के पक्ष की बात होती है तो भाईचारा मान लिया जाता है। मैं भी सेकुलर रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष में रहा हूँ, पर जहाँ पर जो हिंदुओं की बात आती है तो वहाँ पर भाईचारा टूट जाता है। जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहाँ भाईचारा नहीं निभाते, जहाँ मुस्लिम समाज ज्यादा होता है वहाँ भाईचारे की दुआई देते हैं। नहीं नहीं, मोह भंग इसलिए हो गया कि मुसलमानों ने कभी भी साथ नहीं दिया। चाहे हिंदुत्व की बात आई या कोई भी ऐसी बात आई तो मुसलमानों ने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया मेरे द्वारा, बल्कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं। मैं सेकुलर का मतलब होता है हिंदू मुसलमान सब बराबर होना, पर वो बराबर की बात को नहीं मानते। भाईचारा एक तरफा था, आपको पता लग गया? नहीं, ये बिल्कुल मालूम पड़ गया कि मुसलमान कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। चाहे 80 साल की उम्र में 6 साल की लड़की पर वासना की नजर रखती जाती हो और वो उसका धर्माचार्य हो, तो आखिरकार बताइए वो इस धर्म कैसा हो सकता है? आप सारे मुसलमानों को कह रहे हैं ये बात? मैं तो पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, भारत के की नहीं कह रहा हूँ। कुछ मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कोई ना कोई कमियां हैं, मैं सबके नजदीक रहा हूँ, अब्दुल कलाम साहब के साथ भी रहा हूँ मैं। जी हाँ। जी तो मतलब कंसम बजा रहे, हटाई जा रही है, आपको लग रहा है सही? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अपना इबादत करो। हाँ। अपनी जो की अपना आराम से नमाज पढ़िए, पर दूर जनता में रास्ते अब नहीं रोके जाएंगे किसी प्रकार से। और अगला प्रधानमंत्री, भारत का अगला प्रधानमंत्री जो कि आदित्य योगी नाथ होंगे, हिंदू राष्ट्र के। हम ये चाहते हैं, हम संत हैं और वो भी संत हैं। हाँ। और कर्पात्री जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी जी महाराज गुरुदेव हैं हमारे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर स्थिति के अंतर्गत में संतों का शासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में बिल्कुल शांति, उत्तर प्रदेश में कोई अफरा तफरी नहीं है, सबके साथ सही तरीके से न्याय हो रहा है। और वहाँ का मुसलमान भी बार बार कह रहा है हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई कह के तो देखे गलत हो रहा है। तो इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर चाहिए। तो यदि गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ। यदि कोई गलत करेगा तो जो कि बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्या मुसलमानों को जिम्मेवार मानते हैं और कोई नहीं जिम्मेवार? नहीं, देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से चलेगा। हाँ। और संविधान में जो लचीलापन है उसमें सुधार होगा। भारत का संविधान लचीलापन है। हाँ, लचीलापन है संविधान में। ये थोड़ा विवादित हो गया। कोई विवादित नहीं होगा। भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा? नहीं नहीं नहीं, भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। जी सर, प्लीज सर, अभी एक बंधु पीछे भारत में संविधान चलेगा। अच्छा। भारत में संविधान चलेगा। अच्छा। संविधान संविधान बराबर भारत में संविधान चलेगा। हम दो, हमारे दो, पूरे हिंदुस्तान में है संविधान। जिनके ना हो उनका क्या होगा? जिनके ना हो भगवान। सुनिए, इधर आइए प्लीज, कम ही गीता के हिसाब से क्या हो? सुनिए, सुनिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बना जी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपने तो कहा चेतावनी दी। मैं चेतावनी दी, हिंदू में हीन भावना से किसी भी जाति के लोग अगर हम उससे दूर हो गए हैं तो मैं कलेश लगाता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से मुझसे दूर हो गया है, हीन है तू, तो हम उसको गले लगाएंगे। इसके लिए चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, भारत में संविधान की आवश्यकता है। और भारत में जब तक संविधान नहीं आएगा तब तक मैं अनशन करूंगा, धरना करूंगा, प्रश्न करूंगा। आपको जरूरत क्या? अभी आपने क्या कहा? अभी मैंने अच्छे कहा भाई चारण बताते हैं, हम किसी को भाई समझे और हम उसको चारा समझे। अच्छा। हम किसी को भाई समझे वो हम उसको चारा समझे, दैट इज कॉल्ड भाईचारा। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट। सुनिए, अब्दुल कलाम में अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मैं चरणों का बंदर करता हूँ। जो है वीर अब्दुल हमीद को मैं चरण वंदना करता हूँ। अशफाकुल्ला को मैं चरण वंदना करता हूँ। जो मुसलमान भाई मेरे देश के लड़े हैं, मेरे रक्षा किया है, वो मेरे भाई हैं। मैं आज बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट डाल दो यू कैन से राम इज राष्ट्र, मां मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। राष्ट्र के मंगल के लिए अगर मुसलमान भाइयों ने भी खून बहाया है वो भी मेरे राम के समान है, मैं इनके चरणों की पूजा करूंगा। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहां जाएगा? अगर हिंदू राष्ट्र हम कहां उसके मुसलमान कर रहे हैं? मुसलमान कोई आप सुन जी, हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गए हैं उन्हें वापस वो मेरे गले लगे। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं उसको गले लगाता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मुसलमान कहाँ से ले लिया? सरकार तो कह रही है आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है फिर? मैं हिंदू राष्ट्र
अब हिंदू प्रवचन समझी, हीन भावना से दूर हो गए हो, दैट इज कॉल्ड हिंदू। उनका राष्ट्र होना चाहिए, उनका राष्ट्र होना चाहिए जो हीन भावना से दूर हो गए हो और मुझसे गले लगे, उनका संविधान होना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान का। मैं विवरण दे रहा हूँ। सर अभी सेकुलर से क्या प्रॉब्लम, अभी क्या दिक्कत है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप सेकुलर तो बनिए। अच्छा, आप सेकुलर तो बनिए। आप कहते हैं भाईचारा है, हम भाई हैं और आप मेरे लिए आप चारा हो, दैट इज कॉल्ड सेकुलर। तो अभी तो हिंदू वाली सरकार है ना, तो हम कहाँ कहते हैं हिंदू वाली सरकार है? मैं तो कहना हिंदू वाली सरकार है, कहाँ हिंदू वाली सरकार है? कह रहे सब कह रहे पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, मोदी हिंदू सरकार है, योगी जी जो की हिंदू सरकार है। प्लीज यू डिफाइन इन मैन लॉ, कहाँ लिखा है कि हिंदू कोई सरकार होती है? बताइए, भीमराव ने लिखा है हिंदू सरकार? पालन का हिंदू सरकार है? बिल्कुल लिखा ही नहीं जाएगा। जब तक सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने गरीब तबका के लोग हैं, जितने हीन भावना के लोग हैं, जब तक मुझसे गले नहीं लगेंगे तब तक हम मानूंगा कि हिंदुस्तान में हिंदू सरकार नहीं है। अच्छा। गले लगाइए। अभी तो जो राम मंदिर वगैरह बन रहा है महाराज जी, वो तो बन रहा है ना इसी सरकार में बन रहा है, इतने अयोध्या के लिए इतना। राम मंदिर जो बन रहा है ये भाजपा की देन है कि कौन की देन है कि 500 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है तब मंदिर बन रहा है? किसकी बात आप करते हैं? कौन की देन है, किसकी देन है? भाजपा की देन है। ये बताइए, डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर की इंडिया में जब ह्यूमन पावर कम होगा तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं। ये तो आप कहते हैं डिजिटल इंडिया लाइए, ये तो आप बेरोजगारी बात कर रहे हैं। अब बेरोजगारी हम है कहाँ? बिल्कुल बेरोजगार नहीं है, हम रोजगार करना नहीं चाहते। बेरोजगार कौन सा फर्म, किसने कौन युवराज क्या ने कहा उनको, उनसे पूछिए ना पासा पलट बताइए, क्या पासा पलटे हैं? पहले मुसलमानों के लड़ते थे, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, हिंदू कभी आप लड़ा नहीं है, चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे दही चीज रहे हो। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से विलक्ति मांगे अभी अभागिन माओ बहनों के, उन्हें पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सीने में गोली खाई है फिर भी हिम्मत ना हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पर थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाने थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। मेरा हिंदू राष्ट्र है, मेरा भारत वर्ष है, अमर रहेगा। हम इस वक्त बड़ा विश्व गुरु के बाबा पैमाने जाना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कर रहा है वो तो अपने हिंदू में ही बंटवारा कर रहा है, ये चमार है, ये दुसाद है, ये खुद हिंदू बराबर है। आपकी मानसिकता है, देश के राष्ट्रपति को हमने चार कर बैठा है, देश के राष्ट्रपति को हमने चार कर लिया है। कहीं भी कोर्ट स्वामी प्रसाद मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि स्वामी प्रसाद मारे राम के कर रहे हो सुनिए।